नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं सेकंड यूनिट से हमें शुरू करना है, तो पहली कविता से शुरू करते हैं। दूसरी इकाई की पहली कविता है हमारी गागर में सागर। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग चैट कीजिए, मैं वो देखता रहता हूँ, तो आप लोगों को बताते जाऊंगा जो शब्द आपको नहीं समझा, क्योंकि शब्द थोड़े से अलग हैं, क्योंकि बिहारी जी ने लिखा है ये कविता, तो उसके शब्द थोड़े गांव की लोकल लैंग्वेज से ली गई है, तो उसको थोड़ा समझने में मुश्किल आएगी, पर मैं आप लोगों को उसको सरल हिंदी में बताऊंगा। तो कविता को हम तीन स्टेप में पढ़ेंगे। पहले मैं कविता पढ़ूंगा दो लाइन, क्योंकि ये दो दो लाइन के दोहे हैं। दोहा मतलब टू लाइन पोइट्री। पहले में वो समाज की अच्छाई बुराई बताते हैं, दूसरे में उसका उदाहरण देते हैं। बहुत पीपीटी तो अभी नहीं है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में देखना है। अगले लेक्चर से हम लोग पीपीटी ले लेंगे, ठीक है? आप लोगों को टेक्स्ट बुक में उसका अर्थ लिखना है। पेज नंबर 26 पे आइए और जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसे अर्थ लिखिएगा, और मैं बाद में आपसे भावार्थ भी सुनना चाहूंगा अगर कोई बोलना चाहेगा तो। तो शुरू करता हूं मैं गागर में सागर। बिहारी जी ने लिखा है, इनके शब्द थोड़े से अलग हैं। तो दोहे की खासियत यही है कि दो लाइन में वो पूरी कहानी बता देते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो यहाँ पर इन्होंने समझाया, ठीक है? तो बिहारी जी यहाँ पर इन्होंने तो हम लोग इसमें समझेंगे, तो सबका ध्यान होना चाहिए। पेज नंबर 27 पे आना। तो पहली जो दो लाइन है इसमें उन्होंने अपने कृष्ण भक्त होने के कारण कृष्ण की भक्ति के बारे में इन्होंने लिखा है कि कोई भी काम है जब उसमें हम डूबेंगे तो ही हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो पहली जिंदगी में ये सबसे बड़ी चीज। पेज नंबर आप लिख लीजिए 27। पेज नंबर 27 पे आइए। तो हमारी कविता है गागर में सागर। बिहारी जी ने बहुत सुंदर ये दोहे लिखे हैं, तो इस दोहों को आज हमें पढ़ना है, ठीक है? तो पहले हम आते हैं कविता के नाम, वहां से शुरू करते हैं। गागर में सागर। गागर मतलब आप जानते हो मिट्टी की गगरी, जो मिट्टी का गागर होता है, जो गांव में उस गागर को लेकर लोग पानी भरने जाते हैं। और सागर का मतलब समुद्र होता है। तो यहाँ मतलब थोड़ा आपको ध्यान देना है कि गागर में सागर मतलब उस गागर के अंदर सागर समाया हुआ है। तो इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। क्या एक गागर में पूरा सागर समा सकता है क्या? क्या पूरा समुद्र एक गागर में आ सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ मतलब क्या है? गागर, गागर का मतलब नहीं पता है। गागर मतलब गगरी, जो गांव में मिट्टी का बर्तन आपने देखा होगा। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आपने फर्स्ट दबंग फिल्म देखी होगी, तो सलमान खान जो गागर खरीद के ले जाता है, जिसे वो फोड़ देता है, वो गागर कही जाती है, क्योंकि इससे अच्छा उदाहरण मिलेगा नहीं। आप लोगों ने फिल्म जरूर देखी होगी। मटका कह सकते हो, बहुत अच्छा। हाँ, तो वही मिट्टी का मटका जिसे हम गागर कहते हैं। तो उस गागर में सागर भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? गागर छोटा होता है और सागर बहुत बड़ा है, उसमें समाना इम्पॉसिबल। तो यहाँ इसका मतलब समझो, गागर में सागर नहीं समा सकते, लेकिन यहाँ ये पोयम जो आपके सामने प्रस्तुत है ये गागर में सागर की तरह है। गागर मतलब थोड़ा, सागर यानी बड़ा, यानी थोड़े शब्दों में ज्यादा ज्ञान दिया गया है, इसीलिए इस पोयम को कहा जाता है गागर में सागर। पानी भर सकते हैं हाँ, लेकिन कम मटके में ज्यादा पानी नहीं आ सकता। लेकिन इस कहावत है ये, गागर में सागर भर देना, मतलब कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान प्रदान करना, इस कविता की विशेषता है जो बिहारी जी ने लिखा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसका मतलब आप लिख लो, गागर में सागर का मतलब लिख लो उधर ही टेक्स्ट बुक में, कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान। गागर में सागर मतलब कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान, उसे कहते हैं गागर में सागर भर देना। इसका अर्थ होता है कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? तो हम आगे बढ़ेंगे।
नहीं, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, सभी के पास टेक्स्ट बुक है, मीनिंग लिखना है सभी को, मुझे पता है, इसकी जानकारी है। अगले लेक्चर में हम लोग स्क्रीन पे आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये दोहा है, बिहारी जी ने इसको हमारे सामाजिक दुनिया में कैसी जीवन जीना है, जो नीतियां बताई है, ये बहुत सुंदर बताई है। सबसे पहली जो लाइन है, इसका मतलब है कि एक डेडिकेशन होना चाहिए, पूर्ण समर्पण, तब हमारा जीवन सफल होगा। पहली दो लाइन का मतलब है, पहले हम पढ़ेंगे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। मतलब यहाँ पर वो कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण की भक्ति को थोड़ा सा लिखा है, पर उसका मतलब हम सभी के जीवन से है। क्या है, पहले अर्थ देखते हैं, हमने पढ़ लिया, अब उसका अर्थ लिखिए। या मतलब इस, या का अर्थ लिखिए इस, अनुरागी, अनुरागी का मतलब लिखिए प्रेमी, इस प्रेमी, या अनुरागी मतलब इस प्रेमी, चित्त की, चित्त यानी मन, चित्त मतलब मन, की मतलब की, इस प्रेमी मन की, या अनुरागी चित्त की मतलब इस प्रेमी मन की। लिखते जाना दोस्तों प्लीज, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। या अनुरागी चित्त की मतलब इस प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई, गति मतलब दशा हालत, गति यानी दशा हालत, समझे यानी समझना या समझता, नहीं मतलब नहीं, कोई यानी कोई, यानी पहली लाइन में उन्होंने लिख दिया कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मतलब इस प्रेमी मन की दशा या हालत समझने वाला कोई नहीं है। याद रखो, आपका जो प्रेमी मन है, जैसे जो मीरा थी वो कृष्ण की प्रेम की भूखी थी, कृष्ण से उन्होंने विवाह किया था, सोचो तो उनके दिल की हालत कोई नहीं जान सकता, दुनिया ने तो यही कहा मूर्ख है। प्रेमी लोग जो होते हैं, जो साफ दिल के होते हैं, जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, उनके दिल की हालत को कोई समझ नहीं पाता। या का मतलब होता है इस, या का मतलब होगा इस, अनुरागी याने प्रेमी, चित्त याने मन, की याने की, दशा का मतलब लिखिए हालत, या गति का मतलब दशा या हालत, समझे ना कोई, कोई समझने वाला नहीं है। मतलब पहली लाइन क्या हुआ, हाँ मैं फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लो, मैं एक लाइन को जब तक आप ओके नहीं बोलोगे मैं क्लियर करता चलूंगा। कवि ने क्या कहा है कि मेरे जो प्रेमी मन है, जो मेरा मन है, वो प्रेम से भरा हुआ है, इसकी हालत को कोई समझने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है, यानी अब इसको हम अपने जिंदगी में कैसे समझेंगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझो। बिहारी जी कहते हैं कि मेरा जो प्रेमी मन है, मेरा जो चित्त है, जो मन है, वो बहुत प्रेमी है, और इस प्रेम से भरे हुए मन की हालत दशा को कोई समझने वाला नहीं है। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी क्वालिटीज को कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सब इज्जत दें, सब समझ जाएं। बहुत कम लोग मिलेंगे आपके प्रेम और आपके ना क्वालिटी को समझने में। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है कि इस प्रेमी मन की हालत को कोई समझने वाला नहीं, बहुत गुड, वेरी नाइस, अच्छा जवाब लिखा है। कोई समझ ही नहीं सकता यार, प्रेमी मन की हालत कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में। कोई समझे ना पीर पराई, किसी से अब क्या कहना, कोई किसी के दिल की हालत नहीं जान सकता, ये दुनिया बहुत जालिम है, ये फैक्ट है। यहाँ वही कहते हैं कि मेरा जो अनुरागी मन है, प्रेम में, भगवान में जो डूबा हुआ है, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ज्यों ज्यों, ज्यों ज्यों का मतलब लिखो, जैसे जैसे, जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब डूबता है, बूढ़े मतलब डूबता है, जैसे जैसे ये भगवान के रंग में डूब रहा है, यू नो डेडिकेट हो रहा है, समर्पित हो रहा है, जैसे जैसे आप डूबते जाओगे वैसे वैसे श्याम यानी कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे, इसीलिए पहली लाइन उन्होंने डेडिकेट किया है अपने कृष्ण को। लेकिन इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आपको इससे क्या सीखना है, इस दोहे से क्या सीख मिली है।
जैसे जैसे जो जो मतलब जैसे जैसे बूढ़े मतलब डूबता है श्याम कृष्ण रंग याने प्यार में, जैसे जैसे ये कृष्ण के प्यार में डूबता है त्यों त्यों वैसे वैसे, त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे, उज्जवल उज्जवल मतलब निर्मल पवित्र, उज्जवल लिख सकते हो, निर्मल लिख सकते हो, पवित्र लिख सकते हो। दोहा का मतलब होता है दो लाइन की कविता, टू लाइन पोएट्री दोहा। पहली लाइन में वो अर्थ बताते हैं, दूसरी में वो उदाहरण देते हैं, समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं दोहा। आगे बढ़े, जैसे जैसे ये डूबता है कृष्ण के प्यार में वैसे वैसे ये उज्जवल, उज्जवल यानी निर्मल पवित्र, होई मतलब हो जाता है। अर्थ लिखा आप लोगों ने, आप सभी ने मतलब लिख लिया कि इस अनुरागी मन की दशा हालत परिस्थिति कोई समझने वाला नहीं है। याद रखो इस दुनिया में तुम्हारे प्रेमी मन को कोई समझने वाला नहीं है, तुम्हारे सिचुएशन को कोई समझने वाला नहीं। मैं दूसरी लाइन बता रहा हूं, जैसे जैसे डूबता है ये कृष्ण के रंग में कृष्ण के प्यार में वैसे वैसे ये और निर्मल होता जाता है। मतलब बताना क्या चाहते हैं, इसको समझाना क्या चाहते हैं कि मेरे मन में कृष्ण के प्रति मेरे भगवान के प्रति कितना प्यार है ना, ये दुनिया नहीं समझ पाएगी, उसे सिर्फ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर है। मैं जैसे जैसे कृष्ण के रंग में, रंग याने लिख लो प्यार, जैसे जैसे कृष्ण के प्यार में कृष्ण के भक्ति में, रंग याने प्यार भी होगा, रंग मतलब भक्ति भी होगी, जैसे जैसे मैं उसके रंग में उसके प्यार में उसके डेडिकेशन मेरा बढ़ेगा, समर्पण मेरा बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं और पवित्र होता जाऊंगा, मेरा प्यार और मजबूत होता जाएगा, मेरी भक्ति और मजबूत होती जाएगी। तो इसको हमें क्यों सिखा रहे हैं कवि, ये कृष्ण की प्यार की भाषा, अगर मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं तो मुझे क्यों सिखा रहे हैं, अगर पूछा जाए तो। निर्मल का मतलब लिखिए पवित्र, उज्ज्वल मतलब निर्मल होता है, निर्मल का मतलब पवित्र, जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो, निर्मल मल ना हो, कोई गंदगी ना हो, पवित्र। जैसे जैसे आप किसी के प्यार में, भगवान हो हाँ या आपका कोई काम हो जिसमें आप फुल डेडिकेशन रखोगे, उसमें आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। दुनिया की मत सुनो, यहाँ वही कहते हैं इन्होंने, बिहारी जी ने वही कहा कि मेरी मन की हालत कोई नहीं समझ सकता। श्याम का मतलब कृष्ण से है, कृष्ण भगवान लिखा आप सभी ने, मीनिंग सबका हो गया। मैं आगे बढ़ू, हाँ मैं फिर से वापस बताता हूँ, पूरा एक साथ सुनिए क्या कहना चाहते हैं। पहली लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर आपको समझ में आएगा क्या कहते हैं कृष्ण। ध्यान से सुनिए, कृष्ण के बारे में बिहारी जी कहते हैं कि मेरा जो प्रेमी मन है, जो अनुरागी चित्त है, इसकी हालत इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में, क्योंकि अगर मैं मीठा खा रहा हूं तो उसका टेस्ट सिर्फ मुझे मिलेगा, दुनिया को नहीं पता चलेगा ना वो स्वाद कैसा है। तो मैं कृष्ण भक्त हूँ, मेरे भगवान को मैं जानता हूँ, तो मेरे प्रेम से भरे हुए मन की हालत को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे मैं कृष्ण के रंग में भक्ति में डूबता हूँ वैसे वैसे ये और पवित्र होता जाता है, उनकी भक्ति मेरी और मजबूत होती जा रही है, समझ में आ रहा है। वैसे वैसे हाँ, जीवन कैसे लागू होगा हमारे जीवन में, ये मैं दोहा मैं बताता हूँ। फिर इससे हमें क्या सीखना है, कभी वही कहना चाहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी आपके मन में है ना, उसको सबको बताते मत फिरिए, रोना मत रोइए कि मुझे ये टेंशन है या मुझे ये करना है। आपके उस मन की हालत, आपके उस कार्य के लिए आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, याद रखो तुम्हारे लिए दुनिया कभी रोने वाली नहीं है। हाँ तुम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं, तुम्हारे मन की हालत इस दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है, तुम इतने डेडिकेशन से उस काम को करो, उस कर्म को करो कि जब वो सफल आप हो जाओ तो दुनिया के सामने अपने आप आ जाएगा और लोग बोलेंगे, समझ में आ रहा है। बताते मत फिरो, चिल्लाते मत फिरो, अपने जैसे मीरा ने दुनिया को नहीं देखा, कृष्ण के पीछे वो पागल थी, आज उसका नाम अमर है, सब जानते हैं कि राधा के बाद किसी का नाम है तो मीरा का। तो दुनिया में बोलो मत, क्योंकि दुनिया ना सुनती नहीं है, बहरी है, आप करके दिखाओ, लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे कि अरे यार ये तो सफल हो गया, ये तो ये काम कर गया, समझ में आ रहा है। हमारे जीवन में यही होगा,
जैसे मुझे कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखता है ना, कवि कहते हैं कि मैं जैसे जैसे उनके प्रेम में डूब रहा हूं मेरा मन पवित्र हो रहा है, वैसे तुम्हें जो काम करना है उसमें फुल डेडिकेशन दिखाओ और इतनी मेहनत करो कि सफलता हो जाने के बाद दुनिया खुद ताली बजाएगी, वाओ इस बंदे ने क्या काम किया है। ये डेडिकेशन चाहिए, किसी को दिखाना नहीं है, किसी के लिए कुछ करना नहीं है, दिखावा मत करो ना, बताते मत फिरो, रोते मत फिरो कि मुझे दुख है या मुझे ये बहुत सुख है, करो डेडिकेशन के साथ, इतना समर्पण हो, इतनी भक्ति में शक्ति है कि भगवान आ सकते हैं, तो इतना कर्म करो कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा लिखा है। क्या नाम है इनका? डैनियल, वेरी नाइस, गुड गुड, ये सही है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो यहां पर भी वही है, तुम्हें यही करना है कि जैसे प्रेम की भक्ति में वो कवि डूब कर ना पवित्र हो गया, तो तुम अपने काम में इतने डूब जाओ कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए तुम्हारे काम के सिवा, तो ही तुम उसमें सफल होगे ना। अब तुम सोचो मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो कुछ नहीं कर पाओगे, सब में ऐसे घूमते रह जाओगे गोल गोल। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है डिटर्मिनेशन, बहुत सही सही लिखा है आपने। तो यहाँ वही है, तो पहली जो दो लाइन है उसमें यही कहते हैं इंसान को कैसे रहना है, मन में एक भाव होना चाहिए, भक्ति का हो या काम के प्रति हो, फुल डेडिकेशन होना चाहिए, फोकस। जिसको अपने काम, अपने पढ़ाई, अपनी जिंदगी पे फोकस नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, दुनिया में बोलो नहीं, बोलोगे तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया बहरी है, उसको सिर्फ दिखाई देता है, दुनिया को सुना ही नहीं देता, कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वही है, फुल डेडिकेशन रखो। भगवान मिल सकते हैं तो यार कोई दुनिया की वस्तु क्यों नहीं मिलेगी, कोई जॉब क्यों नहीं मिलेगा और सफलता क्यों नहीं मिलेगी। पहले दोहे का मतलब क्लियर हुआ है, मैं फिर अब आगे बढ़ूंगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, सही बात है, शो ऑफ करने की चीज नहीं है। बहुत अच्छा, उससे और आपका टैलेंट है, ये कब आपको समझेगा या दुनिया को, जब आप कहीं कुछ बन जाओगे। टैलेंट हर बच्चे में, पर सब सफल नहीं हो रहे हैं ना, तो वो टैलेंटेड नहीं माना जाएगा। याद रखो, जब तक आप सफल नहीं रहोगे आपको कोई महान नहीं मानेगा, भले आपने क्वालिटी हो या ना हो, आई डोंट नो, पर याद रखो टैलेंट सब में है, टैलेंट सब में नहीं भी है, पर वही बंदा सफल होता है जो डेडिकेटेड होता है, जो एकदम फुल खो जाता है, जैसे प्यार और भक्ति में इंसान खो जाता है। जब तक वो भाव नहीं आएगा, तुम्हारा जो मन है वो पवित्र नहीं होगा और वो सफलता नहीं मिलेगी, एकदम क्लियर समझ लो। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी लाइन में। अब यहाँ समाज का जो दूसरा टॉपिक दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। समर्पण, डेडिकेशन यानी फुल समर्पण होना चाहिए, जो आप कर रहे हो ना उसको 100% करो। याद रखो, हम सिर्फ बोलते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दिन तुम पढ़ने बैठो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कितना अभी नहीं आता। अरे पढ़ाई वो है, बैठ जाओ कि ऐसे नहीं, जब तक मुझे सब परफेक्ट नहीं आ जाता मैं उठने वाला नहीं। बीच बीच में उठो आप खाने के लिए, सोने के लिए, लेकिन डेडिकेशन बहुत बड़ी, समर्पण यानी फुल समर्पण, जो हम फिल्म देखते हुए थिएटर में देते हैं, एक दो घंटे ढाई घंटे हम बोलना नहीं चाहते और किसी की सुनना नहीं चाहते, फुल फोकस फिल्म में होता है, वो समर्पण हमें पढ़ाई में नहीं दिखता, वो नहीं दिखता हमें, फोकस नहीं दिखता। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी पोएम में, टाइम बहुत कम है। दूसरी कविता है कि घर घर दौलत दीन हवे। यहाँ पर लालची इंसान की परिभाषा दी, पहला दिया है कि समर्पण जो इंसान रखे वो सफल होता है, लेकिन समाज में रहने वाले कुछ लालची लोग भी है ना, और आपको भी ये भाव नहीं होना चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। लालची भाव अगर रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? समझो, घर घर दौलत दीन हवे, जन जन जाचत जाए, दिए लोभ चश्मा चखन, लघुपुन बड़ो लखाए। इसका मतलब बहुत अच्छा बताया है उन्होंने,
हम समझेंगे, पहले अर्थ लिखते हैं। घर घर मतलब घर घर, घर घर का मतलब होता है घर घर। घर 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 घर, ढोलक मतलब घूमता है, मैंने लिखते जाएंगे, घर घर डोलते हैं घूमते हैं। हाँ साउंड हो रहा था, अभी मैंने सब भगा दिया और एक दो चिल्लर बच्चे आ गए थे बीच में, मैं फिर से बोलता हूँ। यानी घर घर, यानी घर घर, घरु घरु का मतलब घर घर। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, ऐसे लालची प्रवृत्ति मत लाना, याद रखना। ये बहुत अच्छा समाज में जीने का पहला तरीका सिखा दिया कि कोई काम में पूरा समर्पण है, फुल ना पूरा डेडिकेशन है, फुल फोकस है, तो ही तुम्हें कुछ भी मिलेगा, अन्यथा दुनिया में बहुत लोग हैं। दूसरा क्या सिखा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर घर घूमकर दीन हवे, दीन मतलब गरीब, बने रहते हैं, हवे मतलब बने रहते हैं। जिसके भी घर में जाएंगे ना, गरीब ही बने रहेंगे, मैं तो बहुत परेशान आत्मा हूं, जिंदगी खराब हो गई है मेरी है? वो सिर्फ ना अपना फायदा ढूंढते रहते हैं घर घर घूमकर। ऐसा नहीं कि भीख मांग रहे हैं रस्ते रस्ते पे, याद रखो वो अच्छे खासे लोग होते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, घूमते रहेंगे, इस घर से उस घर जाएंगे, और क्या हो रहा है आंटी अंकल, और चाय पिलाओ, खाना कुछ खिलाओ, तो वो गरीब बन के घूमते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं घर घर घूमकर गरीब बने रहेंगे, और जन जन लोगों लोगों से, जन जन मतलब लोगों लोगों से, जन जन जो भी लोग मिलेंगे सबसे जाचक जाए, मतलब वो मांगते ही रहेंगे, भीख ही मांगते रहेंगे, ध्यान देना। जाचत मतलब मांगना, पूछते रहेंगे भाई कुछ दोगे क्या, कुछ मदद करोगे क्या, वो सबके पास जाके सिर्फ मांगेंगे, उनका एक ही काम होगा, लोगों के पास जाओ और पैसा मांगो, उनका यही मकसद होगा कि कितना किससे मुझे पैसा मिल जाए। मीनिंग लिखा आपने, घर घर घूमकर वो गरीब बने रहते हैं और लोगों लोगों से वो सिर्फ मांगते रहते हैं और मांगते जाते रहते हैं, हर लोगों से वो मांगते हैं, उनको हर इंसान अपने से अमीर नजर आता है, क्योंकि उनका जो मन होता है, जो उनकी इच्छा होती है, यही है कि लोगों से मुझे पैसा मिले। ऐसे लालची लोग नहीं होना चाहिए और लालची लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्यों सबसे मांगते रहते हैं, क्यों हर घर में जाके उनको कुछ लेने की इच्छा होती है? कुछ ऐसे हैं, मैंने देखा है एक जगह, एक जन के यहाँ तो एक आदमी की डेथ हो गई थी, तो उसका कफन लाने के लिए पैसा मिला था, लकड़ी लाने के लिए पैसा मिला था, उसमें से भी उन्होंने 200-300 की चोरी कर ली। सोचो उस बुरे सिचुएशन में भी उस व्यक्ति ने उसमें से पैसा चुरा लिया। ऐसे कमीने लोग हैं इस दुनिया में, सोचो, उनको हर इंसान अमीर दिखता है अपने से। क्यों? क्योंकि दिए लोभ चश्मा चखन, दिए मतलब दिया हुआ है, लोभ यानी लालच, चश्मा मतलब चश्मा, चखन मतलब आंखों पर, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ाया हुआ है, उनके आंखों पे लालच का चश्मा है, क्योंकि उन्होंने दिया है लोभ यानी लालच का चश्मा यानी चश्मा, चखन मतलब आंखें, आंखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, चिंता मत करो, जिसके कारण लघु यानी छोटा व्यक्ति भी पुनः दोबारा बड़ा यानी अमीर, लखाई मतलब दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे लोगों के आंखों पर लालच का चश्मा है, उनको कोई काम नहीं होता, वो लालची होते ही हैं, वो कुछ काम भी करते रहते हैं, हाँ सेल्फिश टाइप, वो मतलब उनसे किसी के सुख दुख से मतलब नहीं है, उनको अपना पेट भरने से मतलब है, अपना कहते हैं ना मतलब पूरा होने से मतलब, ऐसे स्वार्थी लोग हैं, पर लेकिन मुसीबत में आपके वो काम नहीं आएंगे, पर अपना मतलब निकालते रहे, याद रखना। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं पूरा एक साथ बोलता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घर घर घूम कर हमेशा गरीब बने रहते हैं, वो गरीब बने रहते हैं और घर घर घूम के सबसे वो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ चाहिए। मेरा एक दोस्त ऐसे ही था, हाँ जब उसको साइकिल लेना होता ना तो आके पूछता, और कहीं जा रहा है आज तो, मैं बोलता नहीं यार, तो बोलता साइकिल दे दे,
हमेशा कुछ ना कुछ वो जो चाहिए वो मांगने नहीं आएगा, दूसरा कुछ मांगेगा और बाद में वो मांग लेगा। लेकिन कभी खुद मांगने जाओ तो बोलेगा नहीं। सेकंड लाइन का मतलब यही है कि क्यों ऐसा होता है, वो सभी से क्यों मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया होता है लालच का चश्मा अपनी आंखों पर। दिए लोभ चश्मा चखन, चखन मतलब आंखें, चश्मा यानी चश्मा, लोभ यानी लालच, दिए मतलब दिया हुआ है, आंखों पे लालच का चश्मा दिया हुआ है, जिसके कारण लघु यानी छोटा, पुनि मतलब दोबारा, बड़ा यानी अमीर, लखा यानी दिखाई देता है। उनको छोटा व्यक्ति भी हर बार उनको बड़ा दिखाई देता है, अमीर दिखाई देता है, ये थे मेरे से अमीर है। उसके पास पैसा नहीं मिल रहा है तो खाना ही खा लेंगे, उसका खाना भी नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ चुरा लेंगे, एक पेन पेंसिल चप्पल ही पहन के चले आएंगे, पर वो खाली हाथ नहीं आएंगे। मतलब ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, समझो आप, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। मैं इस लाइन के शॉर्ट में अर्थ बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। मतलब घर घर घूमते रहते हैं वो गरीब बनके, और लोगों लोगों से वो मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोग इस समाज में होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके आंखों पे लालच का चश्मा लगा होता है, उनको हर गरीब इंसान भी हर बार बड़ा दिखाई देता है, वो उनसे हर इंसान से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो अमीर हो कि गरीब हो। हाँ, हर एक, हर चारों तरफ हर घर पे जाएंगे, हाँ, और कुछ ना कुछ वो चाहेंगे कि उनको मिले, क्योंकि उनके आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है, लालच का चश्मा है। उनके अंदर कोई ना परोपकार की भावना नहीं है, इंसानियत की भावना नहीं है, अच्छाई नहीं है, समझ में आ रहा है? धन्यवाद, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप पूछते जाओ। मतलब ऐसे लालची व्यक्ति हमारे समाज में हैं, इनसे हमें दूर रहना है। ये हमारे आसपास ही हैं, हमें इनसे दूर रहना है। पहला क्या कहा है, पहली दोहे में बताया कि हमें अनुरागी मन जो होता है आपका, जो डेडिकेटेड होगा, जो प्रेम या भक्ति में भरा होगा, इसको कोई तुम्हारे एहसास को, तुम्हारे क्वालिटी को कोई समझने वाला नहीं। तुम्हें अपना काम अपने मन से करना है, सफलता पाने पे लोग खुद तालियां बजाएंगे। दूसरों में इन्हें कहा है कि ऐसे लोग होते हैं जो घर घर घूम के सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, अपना लालच पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि उनके आंखों पे लालच का पर्दा होता है, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। ठीक है, एकदम क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? लास्ट वर्ड का है लखाई, मतलब दिखाई देता है। लखाई का मतलब होता है दिखाई देना, मतलब लघु यानी छोटा व्यक्ति भी, पुनि मतलब दोबारा, बड़ो यानी बड़ा आदमी, दिखाई देता है, लखाई मतलब दिखाई देता है, यानी वो व्यक्ति जो लालची होता है उसको बार बार छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी अमीर दिखाई देता है, उसको अपने से वो गरीब नहीं समझेगा, अमीर ही समझेगा, और उससे कुछ ना कुछ वो प्राप्त करना चाहेगा किसी भी कीमत पे। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आपका नुकसान कर सकते हैं। समाज में रहने के ऐसे दूसरे लोग हैं, ठीक है, आगे बढ़े। पहला हमने सीख लिया कि एकदम डेडिकेशन होना चाहिए हमारे अंदर, ना समर्पण की भावना हो किसी भी काम में। दूसरा है लालचियों व्यक्तियों से रहो चार कदम दूर। हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम तीसरा पढ़ेंगे, ध्यान दो। तीसरा बहुत सुंदर, ये बहुत ही फेमस दोहा है, हमारे देश में इसको बहुत ज्यादा सुना गया है, पढ़ा गया है, शायद आपने कभी सुना होगा कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाई, उइखाए बउराई जग इही पाए बउराई। बहुत अच्छा लिखा है यार, बिहारी जी का ये दोहा है। इसमें कनक कनक दो बार दिया गया है, दो बार एक ही चीज को रिपीट किया गया है, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसकी बहुत विशेषता है। ये पोयम इसलिए ज्यादा पढ़ी गई है, ये यमक अलंकार के अंतर्गत आता है, अलंकार जो पढ़ाया जाता है, इसलिए इस कविता का ज्यादा यूज किया गया है। कनक, पहले कनक का मतलब आप लिखिए सोना, गोल्ड, और दूसरे कनक का मतलब लिखिए धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, दुनिया का सबसे नशीला पदार्थ धतूरा। आपने सुना नहीं होगा, इसको देखा होगा, मैं जानता हूं।
जो बच्चा कभी शंकर जी के मंदिर पे गया है उसने देखा होगा ग्रीन कलर का एक गोल गोल फल आता है, हाँ, बेल की पत्तियों के साथ उस धतूरे को भी चढ़ाया गया होगा। आपने कभी देखा होगा शंकर जी के मंदिर पे धतूरा चढ़ाया जाता है, क्योंकि शंकर जी धतूरा पीते थे, भांग खाते थे, वो एक प्रकार का ड्रग है, दुनिया का सबसे नशीला ड्रग शंकर जी वो पीते थे, इसीलिए उनके अंदर आधा शरीर में जहर भरा रहता था। इसीलिए समुद्र मंथन में जहर पीने की ताकत सिर्फ शंकर को थी, इसलिए उन्होंने जहर पी लिया और उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी पहले से जहर था, क्योंकि वो धतूरा पीते थे ना। तो यहां बताना क्या चाहते, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। यहां पर एक बहुत बड़ा एक सुझाव दिया है कवि ने, कनक पहला कनक का मतलब लिखिए सोना गोल्ड, दूसरे कनक का मतलब लिखिए धतूरा, अभी मीनिंग लिखो तय आने से, कनक कनक तय तय मतलब से, सौ गुनी मतलब 100 गुना, 100 टाइम गुना, 100 गुनी मतलब 100 गुना बोलते हैं ना, 100 टाइम ज्यादा, वैसे 100 गुना। मादकता, मादकता का मतलब लिखिए नशीलापन, तौ का मतलब होगा से, तौ का मतलब लिखिए से, कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय। मादकता का मतलब लिखिए नशीला, अधिकाय मतलब अधिक, यानी मतलब क्या बताना चाहते हैं, धतूरे का नशा मैं बताता हूँ कितना खतरनाक है। धतूरा फल अगर हम फोड़ते हैं तो उसमें बीज होता है, उसका 2 बीज अगर इंसान ने खा लिया, 2 बीज, तो वो नशे में रहेगा दिन भर 24 घंटा, और गलती से उसका 5 या 10 बीज हमने खा लिया तो हमें ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हम मर भी सकते हैं, नसें फट जाएगी सिर सर की, इतना भयानक नशा है उसका। तो यहाँ बताना क्या चाहते हैं कवि, यहाँ समझाना चाहते हैं कि धतूरे से भी खतरनाक कोई नशा और है, वो काहे का नशा है, वो इस लाइन में है। वो कहते हैं कि सोना, पहले कनक का मतलब हमने लिखा है सोना, दूसरे कनक का मतलब हमने लिखा है धतूरा, तो कंपेयर क्या किया है कि सोना धतूरे से, तय मतलब से, सोना कनक कनक तय 100 गुनी, मतलब कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा, तो सोना गोल्ड वो धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है। वाह क्या लिखा है इन्होंने कि सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा अधिक है, ऐसा है क्या, सोने में गोल्ड में नशा होता है क्या, गोल्ड हाथ में पहना तो हम नशे में हो जाते, मैं हमें लगता है कि हम झूम रहे हैं, नहीं ना, नहीं होता है, सोने में तो नशा होता ही नहीं, लेकिन कवि ने लिखा है तो कुछ मतलब होगा ना। हाँ गोल्ड पाने का नशा होगा, वेरी नाइस, लालच का नशा हो जाता है, ये सही कहा आपने। तो ये समाज में लोगों के बारे में ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा पाते ही सोना आते ही उनको एक घमंड आ जाता है, एक लालच आ जाता है, एक ना अहं जैसे वो रावण को था, नशा हो गया है। अभी आप समझो मैं बताता हूं, मेरी आवाज आ रही है, अभी बीच में से एक किसी का फोन आ गया था, अभी मेरी आवाज आ रही है, हाँ ठीक है सुनिए। तो यहाँ पहले पहली लाइन का मतलब तो हो गया, अभी दूसरी लाइन का मतलब समझो फिर हम समझ पाएंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब हुआ कि सोना धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीलापन होता है, 100 गुना ज्यादा नशा करता है सोना, धतूरा जो कि नशीला है, लेकिन कभी कहते हैं कि धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा देता है सोना, कैसे, उही खाए बौराई जब, उही मतलब धतूरे को, उही का मतलब धतूरे को, खाए खाने से बौराई, बौराई यानी पागल, जगू मतलब दुनिया, उही मतलब उसे, उसे यानी धतूरे को खाने से पागल हो जाता है इंसान, खाए मतलब खाने से, बौराई यानी पागल, जगू मतलब संसार, संसार के लोग धतूरा जब खाएंगे तो पागल होते हैं ना,
मतलब उसको फोड़ेंगे, उसको खाएंगे, शरीर में जाएगा तो पागल होंगे। लेकिन इही इही मतलब इससे पाए, पाने से बौराई, बौराई यानी पागल हो जाते हैं। इसको तो पाते ही, हाथों में आया नहीं, प्राप्त हुआ नहीं कि इंसान पागल हो जाता है। मतलब शक्तिशाली क्या हुआ? सोना हुआ। यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि धतूरे को तो खाने से हमें नशा आएगा ना, लेकिन सोना तो प्राप्त होते ही हम नशे में आ जाते हैं। हमारे अंदर अहंकार का नशा आ जाता है, घमंड का नशा आ जाता है। बहुत सुंदर लिखा है बिहारी जी ने। वाव, समझो क्या कहते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई, वही खाए बौराई जग यही पाए बौराई। मतलब कनक सोना धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशीला होता है, क्योंकि धतूरा तो खाने के बाद इंसान पागल होता है, लेकिन सोने का नशा ऐसा है कि उसको प्राप्त होते ही इंसान घमंड में, अहंकार में चूर हो जाता है। उसको जो नशा होता है, अहंकार का नशा हो जाता है, जिसके कारण वो कुछ भी समझ में नहीं आता उसे, और वो दुनिया में सभी को परेशान करता है और एक दिन बर्बाद हो जाता है। जैसे रावण, रावण को जब बुद्धिमान था वो, लेकिन जैसे ही उसे सोना मिला, सब कुछ सम्मान मिला, तो वो उस नशे में उसको समझ में नहीं आया कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। और अहंकार व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। अहंकार में व्यक्ति को अच्छा और बुरा दोनों चीज समझ में नहीं आती कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। तो कभी यहां वही कहते हैं कि इस दुनिया में सोने का नशा धतूरे से ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए आप जब अमीर हो जाओ, आपके पास बहुत पैसा हो जाए, तो घमंड मत करना, क्योंकि रावण का घमंड नष्ट हो गया तो हम तो इंसान है। क्योंकि धतूरा तो जब इंसान खाएगा तो उसको नशा होता है, लेकिन सोने का नशा इतना भयानक है कि उसको पाते ही इंसान को ना एक अलग ही प्रकार का घमंड हो जाता है, जिससे वो किसी को कुछ नहीं समझता और वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। सोने की ये विशेषता नहीं है दोस्त, यहाँ बताना चाहते हैं कि अमीर हो जाने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मत करो किसी भी चीज का, वो आपके ज्ञान का हो या आपके धन का हो। घमंड मतलब विनाश का पहला दरवाजा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? बहुत सुंदर कविता है। पहले में हमने सीखा हमें भक्ति प्रेम एक ना किसी भी चीज में समर्पण रखो तो सफलता मिलेगी। दूसरा दिया है कि लालची व्यक्ति ऐसे मत बनो आप, और अगर ऐसे लालची व्यक्ति आपको दिखते हैं तो उनसे दूर रहो, जो सबसे भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, और तीसरे में कहा है कि सोना बहुत खतरनाक चीज है, अमीरी आने पर घमंड मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि धतूरे से भी ज्यादा नशा गोल्ड में होता है, पैसे में होती है। ठीक है, ये तीनों कविता, तीनों भावार्थ हमें समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कुछ अगर इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। दरवाजा नरक का दरवाजा, विनाश का दरवाजा है, लालच का दरवाजा है ये गोल्ड। अगर आप अमीर होते हो और उस चीज का घमंड करते हो और लोगों को सताते हो अपने पैसे के बल पर, हाँ उसका दुरुपयोग करते हो, क्योंकि जब गरीब होते हैं ना इंसान तो पानी पी के काम करते हैं, और अमीर होते ही शराब पीने लगते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ कवि क्या बताना चाहते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाई, सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला होता है। समाज में आप रहते हो, आपके पास सोना बहुत मिल गया तो समझ जाओ खतरा भी बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि धतूरा तो खाने के बाद नशा करता है ना, लेकिन सोना इतना खतरनाक है कि वो पाने मात्र से ही, प्राप्त होते ही, टच होते ही इंसान को नशा कर देता है, और वो जो घमंड का, जो अमीरी का नशा होता है ना, वो इंसान के विनाश का रास्ता होता है, विनाश का दरवाजा होता है। इसीलिए सोना प्राप्त होने पर, अमीर बनने पर पोलाइट हो जाओ ना, विनम्र हो जाओ,
प्यार से बातें करो, लोगों की मदद करो, अगर अमीर हो तो दान करो, गरीब हो तो काम करो। ये फैक्ट है, गरीबी में काम करना चाहिए और अमीरी में दान, क्योंकि जो भी दुरुपया पैसा है या तो उसे तुम दे दो, नहीं तो वैसे भी छोड़ के ही जाओगे। सोचो, या तो दे दो अपने परिवार को, अपने गरीब दोस्तों को, लोगों को, जिसको आप समझो, या तो दे दो, नहीं तो वैसे भी छोड़ के ही जाना है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये दुनिया में कोई चीज हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगी, वो अमीरी हो या गरीबी। गरीब हो तो अमीर जरूर बनोगे और अमीर हो तो गरीब जरूर बनोगे, इसलिए सोच समझ के काम करो। समझ गया सभी को? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी ने लिखा था 10:45 टाइम, मतलब ये टाइम लिखने का कारण मतलब मैं नहीं समझा। अच्छा, दूसरा क्लास है आपका 45 पे? अच्छा, ओ नेक्स्ट क्लास है, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मुझे लेक्चर सर मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं क्या, कि रुकना है इस पे? बच्चे कुछ नहीं, करिए सर, 5-7 मिनट कर सकते हैं और आप। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो हम लोग एक और देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एक और हो जाएगा। ये बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ ये जो अगली हमारी जो दोहे की परिभाषा है, ये है कि गुणवान बोलने से कोई गुणवान नहीं हो जाता। जैसे राहुल गांधी को सब चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए ना, प्रधानमंत्री बन जाए, बहुत कुछ चाहते हैं, पर किसी के चाहने से, या अभी जैसे गोल्ड है सोना, अभी मैं उसको एक जगह रख के बोलूं कि ये मिट्टी हो जाए तो मिट्टी नहीं होगा, और मिट्टी को मैं रोज बोलूं कि ये सोना बन जाए तो सोना नहीं होगा। बहुत सुंदर यहाँ पर लिया है कि नाम से ज्यादा काम का सम्मान होता है। तो क्या लाइन है कि गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुनेव कहूं अर्क, सुनेव कहूं तरु अर्क तय, अर्क समान उदोतु। बहुत सुंदर लाइन है, समझेंगे इसका मीनिंग आप लोग लिखिए पहले। गुनी गुनी सबके कहे, गुनी गुनी मतलब गुणवान, गुनी गुनी मतलब गुणवान गुणवान, सबके यानी सबके, सभी लोगों के, कहे मतलब कहने से। क्या सभी लोगों के गुणवान कहने से कोई गुणवान हो जाता है क्या? अगर मैं सब लोग मिलके किसी को बोले, यार बहुत गुणवान है, बहुत गुणवान है, बहुत क्वालिटी वाला है, ये बहुत अच्छा है, तो यहाँ वही है, कहना वही चाहते हैं, बीच में एक फोन आ गया था सॉरी, कि किसी को गुणवान बोलने से कोई मूर्ख व्यक्ति गुणवान नहीं बनता ना। गुनी गुनी सबके कहे, गुणवान गुणवान सबके कहने से, निगुनी, निगुनी मतलब जिसमें गुण नहीं होता है, गुणहीन व्यक्ति, निगुनी मतलब गुणहीन, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, मूर्ख, निगुनी मतलब मूर्ख लिख सकते हो आप, जिसमें गुण ना होता है, मूर्ख। गुणी ना हो तू, गुणवान ना यानी नहीं, हो तू मतलब होता है, सबके गुणी गुणी कहने से मूर्ख व्यक्ति, या जिसमें गुण ना हो वह व्यक्ति गुणवान हो ही नहीं सकता। याद रखो, एकदम सरल ये पोएम है। हाँ, किसी का आपने नाम रख दिया, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा, एकदम बेस्ट, बड़ा नाम रखने से, आइंस्टाइन नाम रख दो या कुछ बड़ा नाम रख दो, तो वो नाम के कारण उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। गुणी गुणी कहने से मूर्ख व्यक्ति गुणवान नहीं होता, क्यों? उदाहरण उन्होंने दिया है कि सुनेव, सुना है कभी, सुनेव मतलब सुना है क्या आपने कभी, कहूं मतलब कहीं भी, सुनेव मतलब क्या आपने सुना है, कहूं मतलब कहीं पर, तरु, तरु का मतलब होता है पेड़,
तरु का मतलब होता है पेड़, जिसे हम तरुअर कहते हैं, तरुअर का अर्थ होता है पेड़। अर्क, अर्क का मतलब होता है रस, और अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का दो अर्थ होता है, मैं फिर से बताता हूं। गुनी गुनी सबके कहे, गुणवान गुणवान सबके कहने से, निगुनी मतलब मूर्ख, गुनी न हो तू, गुनी मतलब गुणवान, न याने नहीं, हो तू मतलब होता है। सरल अर्थ हुआ, सबके गुणवान गुणवान कहने से मूर्ख व्यक्ति कभी भी गुणवान नहीं होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई मूर्ख है उसको हम अच्छा 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 रोज कहेंगे तो वो अच्छा नहीं हो जाएगा। मिट्टी को हम सोना सोना बोलेंगे तो वो सोना नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह उन्होंने कहा है कि क्या कभी आपने सुना है, कहीं पर सुने याने सुना है कि अर्क, तरु याने पेड़ के रस से सूर्य का प्रकाश हो सकता है क्या? क्योंकि पेड़ का जो रस होता है, तरु का जो अर्क होता है, अर्क को भी हम रस भी कहते हैं, अर्क को हम सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं। हम बोलते हैं ना सूर्य को अर्क दे रहे हैं, अर्क मतलब सूर्य। अभी हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें एक दूध निकलता है, तो उस दूध को अर्क कहा जाता है, और उस दूध का एक अर्क नाम है, और अर्क को सूर्य भी कहा जाता है, सूर्य का एक नाम अर्क भी है। तो क्या आप उस अर्क में से, उस पेड़ के अर्क में से सूर्य का प्रकाश आता है क्या? उसका नाम भी तो अर्क है ना। मतलब नाम, अभी मेरा नाम लक्ष्मीकांत है तो क्या मैं लक्ष्मी, जो बहुत बड़े अमीर हैं इस हमारे देश में, वर्ल्ड में, तो क्या मैं उनके बराबर अमीर हो गया क्या? नहीं ना। अंबानी नाम रखने से क्या मैं अंबानी हो जाऊंगा? नहीं होता ना। उसके लिए वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो किसी के अच्छा बोलने से आप अच्छे नहीं हो जब तक आप अच्छे बन नहीं जाते हो। किसी के बोलने से कोई महान और बुरा नहीं होता। आपको इसमें दोनों चीज समझना है। आपको कोई बुरा बोल रहा है तो आप बुरे बन नहीं जाते हो, याद रखो। और आपको कोई अच्छा बोल रहा है तो आप अच्छे भी नहीं बन जाते हो। समझ में आ रहा है? मेहनत रंग लाती है। जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म से इंसान महान होता है। कलाम जी ना एक मछुआरे के बेटे थे, पर वो इतने महान बने ना। नाम उनका नॉर्मल ही था। कितने लोगों को तो पूरा नाम भी नहीं पता है, बोल भी नहीं सकते ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम ही हम सब जानते हैं ज्यादातर। तो नाम से कुछ नहीं होता, कर्म इतने महान समझो। कोई उनको नहीं जानता कि उनको नाम लेने से हमें ये नहीं लगता कि वो मुसलमान है कि हिंदू है क्या। ये होता है कि यार ग्रेट इंसान है अपने भारत का। तो यहाँ वही है कि कहीं तुमने सुना है पेड़ के रस से अर्क समान उदोतु। अर्क यानी यहाँ अर्क मतलब सूर्य है। वहां जैसे हमने कनक कनक में दो अर्थ लिखा था, वैसे यहाँ एक अर्क का मतलब होता है पेड़ का रस, और यहाँ एक अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का मतलब है पहले अर्क, तरु के अर्क का मतलब होता है रस, पेड़ का रस, और दूसरा जो अर्क दिया है उसका मतलब होता है सूर्य। तो क्या सूर्य के समान उदोतु, उद्योत यानी प्रकाश होता है क्या? क्या उस पेड़ के रस में सूर्य जैसा प्रकाश दिखाई देगा? उसका भी तो नाम अर्क है ना, नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी तरह कहते हैं कि गुणवान सबके कहने से मूर्ख व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाता। जैसे पेड़ के रस को भी अर्क कहा जाता है, लेकिन अर्क बोलने के कारण क्या उसमें से सूर्य जैसा प्रकाश आ सकता है क्या? नहीं आता ना, इम्पॉसिबल। इसीलिए बड़ा नाम रखने से कोई बड़ा इंसान नहीं हो जाता, बड़े बोलने से कोई बड़ा इंसान नहीं हो जाता। हमें अपने कर्मों के द्वारा अपना ना बड़ा नाम दिखाना चाहिए। नाम से कुछ नहीं होता, काम से बड़ा होता है इंसान। कर्म, कृष्णा ने भी कहा है कर्म करोगे तो हमें बड़ा नाम मिलेगा। जन्म तो किसी भी घर में हो सकता है, गरीब घर में, एकदम गरीब घर में ना, कर्म से आपका नाम होगा। गेल जो क्रिकेट खेलता है वो कचरा उठाता था, आज इतना बड़ा अमीर क्रिकेटर है। तो यहाँ वही कहते हैं किसी के बोलने से कोई महान नहीं हो जाता, क्योंकि अर्क नाम से पेड़ का रस भी है पर उसमें से सूर्य जैसा प्रकाश नहीं निकलता, क्योंकि अर्क को सूर्य का प्रकाश भी कहा जाता है। समझ में आया आप सभी को? हाँ, तो हमें मेहनत से, कर्म से, हार्ड वर्किंग से, बहुत अच्छा लिखा है आपने, उससे हमें नाम करना है। नाम रखने से आप महान नहीं हो जाओगे कि मैं अपना नाम अंबानी रख दूं,
हाँ मैं अपना नाम बिल गेट्स रख दूं तो मैं उस तरह बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है, ये होना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? कर्म करो, सफलता की चिंता मत करो। हाँ एकदम राइट, बहुत अच्छा लिखा है आपने। उद्योतु का मतलब प्रकाश है, उजाला। क्या सूर्य के जैसा उजाला आता है क्या पेड़ के रस से? उद्योतु मतलब प्रकाश, ठीक है। तो जैसे अर्क नाम रखने से पेड़ के अर्क से सूर्य का प्रकाश नहीं आता, याद रखो ये फैक्ट है। समान मतलब उसके जैसा, समान यानी सूर्य के समान, सूर्य के जैसा। सूर्य के जैसा प्रकाश पेड़ के रस से नहीं आएगा ना। पेड़ का जो अर्क है, पेड़ का जो रस है, उसको अर्क कहा जाता है। पेड़ हम काटते हैं तो दूध निकलता है सफेद, तो उसे अर्क कहा जाता है। बस क्या उस अर्क से सूर्य जैसी रोशनी निकलेगी क्या? उसको भी अर्क कहते हैं, सूर्य को भी अर्क कहते हैं, नहीं ना। तो यहाँ वही बताना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा नाम रखने से या बड़ा बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता। जैसे पेड़ के रस में से सूर्य का प्रकाश नहीं निकल सकता, तो कहना क्या चाहते हैं? बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, बड़ा काम होना चाहिए, तो आपको समाज में इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। नाम से कोई अमीर नहीं होता, काम से अमीर बनता है। नाम से कोई इज्जतदार नहीं होता ना, आपका कर्म होना चाहिए जिससे लोग आपकी इज्जत करें समाज में। तो मुझे लगता है आप सभी को ये चार समझ में आ गया होगा। गुणवान बोलने से नहीं होता है, गुणवान बनते हैं लोग कर्मों से अपने। तो आप सभी को समझ में आया हो तो आप ओके बोलिए, फिर हम लोग इसको अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो और किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछिए, मैं अभी तुरंत बता दूं। आप लोगों को समझ में आया ये तो? जिसको समझ में आया वो ओके बोल दे, तो मुझे भी थोड़ा समझे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये कविता थोड़ी सी टफ है। थैंक यू, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप लोगों का। कोई भी अगर दिक्कत हुई हो तो मुझे बाद में आप पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सर जी। तो मैं लेक्चर अब लीव करूं, बराबर टाइम पे मैंने ये खत्म कर दिया है चार। थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने बहुत अच्छा सुना है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन। सर अभी एंड करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद सर जी, मिलते हैं हम लोग फिर बाद में। जरूर सर, थैंक यू।